नंबर वन बनी टीम इंडिया, पर्थ जीतकर WTC टेबल हिलाया, फाइनल की तरफ कदम बढ़ाया। जी हाँ, अपने मिशन WTC फाइनल के लिए एक अहम सीरीज यानी कि बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज खेलने ऑस्ट्रेलिया पहुंची टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया है। पर्थ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे बड़ी जीत तो हासिल की ही है, लेकिन WTC के पॉइंट्स टेबल में भी फिर से बादशाहत कायम कर ली है। एक बार फिर टीम इंडिया WTC के पॉइंट्स टेबल में नंबर वन टीम बन चुकी है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ टेस्ट में टीम इंडिया ने शानदार 295 रनों से जीत हासिल की। मैच के चौथे ही दिन दूसरे ही सेशन में टीम इंडिया ने यह जीत हासिल कर ली। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 534 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम महज 238 रनों पर ही सिमट गई, जिसके बाद टीम इंडिया को यह बड़ी जीत हासिल हुई। बात करें टीम इंडिया की इस जीत के बाद बदले WTC के पॉइंट टेबल की, तो आपको बता दें कि टीम इंडिया अब इस जीत के बाद WTC के पॉइंट टेबल में टॉप पोजीशन पर आ चुकी है। इससे पहले वो दूसरी पोजीशन पर थी। टीम इंडिया ने खेले अपने 15 मुकाबलों में 9 जीत 1 ड्रॉ और 5 हार के साथ अब अपने 61.11 विनिंग परसेंटेज पॉइंट्स कर लिए हैं। दूसरी पोजीशन पर ऑस्ट्रेलिया है, जिसके पर्थ टेस्ट में मिली हार के बाद 13 मुकाबलों में 8 जीत और 4 हार के साथ 57.69 विनिंग परसेंटेज पॉइंट्स है। तीसरी पोजीशन पर श्रीलंका है, जिसके 9 मुकाबलों में 5 जीत 4 हार के साथ 55.56 विनिंग परसेंटेज पॉइंट्स हैं। चौथी पोजीशन पर न्यूजीलैंड, जिसके 54.55 विनिंग परसेंटेज पॉइंट्स हैं। तो पांचवी पोजीशन पर साउथ अफ्रीका है, जिसके 8 मुकाबलों में 4 जीत 3 हार के साथ 54.17 विनिंग परसेंटेज पॉइंट्स हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने ही घर पर 3-0 से टेस्ट सीरीज गंवाने वाली टीम इंडिया के लिए बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज बेहद अहम है, क्योंकि अगर टीम इंडिया को अगले साल होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालिफाई करना है तो उसे हर हालत में ऑस्ट्रेलिया सरजमीं पर कम से कम 4 टेस्ट मैचों में जीत की जरूरत थी। पर्थ टेस्ट में जब टीम इंडिया पहली पारी में बल्लेबाजी करने के लिए आई और टीम इंडिया ने 150 रनों पर ही अपना कहीं ना कहीं पवेलियन की ओर रुख कर लिया, 150 रनों पर ही टीम इंडिया ऑल आउट हो गई, तब लगा कि भारत के लिए ये मिशन काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन इसके बाद टीम इंडिया ने ना सिर्फ शानदार कमबैक किया, ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 150 रन भी नहीं बनाने दिए, 104 रनों पर ही समेट दिया और उसके बाद टेस्ट में 295 रनों के अंतर से जीत हासिल की। इस जीत से टीम इंडिया का आत्मविश्वास यकीनन बढ़ा है और अब टीम इंडिया के मिशन WTC फाइनल की ओर बढ़े कदम कहीं ना कहीं फैंस के लिए भी वो उम्मीद लेकर आए हैं, जहाँ पर ये बात देखी जा सकती है कि आने वाले दिनों में टीम इंडिया जरूर WTC फाइनल के लिए और अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। वैसे आपको बता दें कि 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला अब 6 से 10 दिसंबर तक एडिलेड के मैदान पर खेला जाएगा और ये मुकाबला एक डे एंड नाइट मुकाबला होगा। अगर हम आंकड़ों के लिहाज से देखें तो ऑस्ट्रेलिया डे एंड नाइट मुकाबलों में काफ़ी मजबूत टीम है, ऐसे में टीम इंडिया को पर टेस्ट में मिली ये जीत कहीं ना कहीं बड़ा आत्मविश्वास जरूर देगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मिलेगी क्रिकेट की हर खबर, कॉन्ट्रोवर्सी और इनसाइड स्टोरी पर भी होती है हमारी नजर। क्रिकेटर्स की पर्सनल लाइफ से लेकर इंटरव्यूज तक हम रखते हैं आपको हमेशा अपडेट, इसीलिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट का मतलब है न्यूज 24।